मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास में चलेंगे और अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंस। आइए सबसे पहले तो जानते हैं सर, ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का चक्कर क्या है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ध्यान से समझिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, जब फंक्शन आपका एफ एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ हो और ये बराबर जीरो, तो ये आपका क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और जब आपका कोई फंक्शन, जब आपका फंक्शन इस तरह से दिया वाई बराबर एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। समझिए, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर चुके हैं ना, कब, 5.2 में। ठीक, 5.3 में हम लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एफ तो इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल सर दीजिए तो कैसे कैसे होगा। जैसे होगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है सर। 2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 9, ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। x प्लस साइन वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 10y 10x, ये क्या हो गया सर, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। इस तरह से जो दिया हुआ हो सर, तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो आई होप कि आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए बच्चे, कुछ नहीं है सर, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं, बहुत आसान है सर, बहुत आसान। आइए, जैसे आपको कोई दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और कह दिया dy बटे dx निकालिए, इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव निकालना है सर, तो ध्यान दीजिए। तो डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहला काम ये कर दो। इधर तो जीरो है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है सर, पहले से पता है। डी डी एक्स दोनों तरफ लगेगा, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। इधर भी डी डी एक्स लगा दो, इधर भी क्या लगा दिए, डी डी एक्स। तो ये सर आपका 3 तो बाहर में हो जाएगा जी, 3 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंस, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ किसका बोलो बच्चे, एक्स वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ किसका, 3 का। अब 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आ जाओ चलो मेरे भाई, 3 आप बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, 2x, x स्क्वायर का कितना, 2x प्लस 4। अब देखो यहां जो है सर, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट, x गुना y। तो ऐसा फंक्शन जब रहता है y बराबर u इंटू v, हमने कहा था इसका dy dx निकाले लिया करते हैं सर, एक को कांस्टेंट मानिए दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस b को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो x कांस्टेंट किसका डिफरेंशिएशन, y का, तो dy बटे dx। फिर सर y को कांस्टेंट मानेंगे, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ddx ऑफ x माइनस, अब 3 का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये बराबर 0 हो गया। अब 3 दूनी कितना बोलो बउआ, 6x प्लस 4x इंटू dy बटे dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 4y डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा, ये आपका 0 के बराबर आ गया। अब इस दोनों को उस पार भेज दीजिए सर, कि ये आपका 4x, इस पार क्या बचेगा, 4x इंटू dy बटे dx, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 4y माइनस 6x। अब जरा बोलो मेरे भाई, dy बटे dx, dy बटे dx ये क्या हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 6x है, नीचे 4x आ जाएगा, dy बटे dx आ गया, माइनस 4y माइनस 6x बटे कितना, 4x। अब कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन आकर के कट जाएगा सर, 2 माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ बच जाएगा 2y, यहाँ बचेगा 3x प्लस 3x बटे 4x बटे कितना 4x, 2 से कट जाएगा 2 बार में, इंप्लाइज dy बटे dx बराबर कितना हो गया माइनस 2y प्लस 3x बटे कितना 2x। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था, प्लीज इसको नोट करो। आइए बच्चे, दो सवाल आपका यहाँ इंतजार कर रहा है। y प्लस साइन वाई बराबर कितना है बोलो बच्चे, कॉस एक्स। तो कहता है डी वाई बटे डी एक्स निकालिए, कैसे निकालोगे, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, चलो भाई दोनों तरफ डी डी एक्स लगाओगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा प्लस साइन का कितना कॉस वाई, अब फिर अंदर वाले का भी ना होगा जी, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बटे कितना बोलो बउआ डी एक्स। फिर सर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये आपका हो गया माइनस साइन एक्स। चलो मेरे भाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस, हाँ डी वाई डी एक्स, एक काम करो डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा सर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच गया कॉस वाई, यहाँ माइनस साइन एक्स है, ये आपका डी वाई डी एक्स बराबर आ गया सर माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई, ये आपका फाइनल आंसर है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सर एक्स माइनस वाई बराबर पाए है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना बोलो बच्चा एक्स होगा। अब देखो क्या करोगे सर, डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर माइनस किसका डी डी एक्स ऑफ किसका बोलो वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ किसका पाई सर। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो चलो मेरे भाई यहाँ 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स, और पाई तो कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। आइए अब यहां से डी वाई डी एक्स उधर भेज दो तो डी वाई बटे डी एक्स ये बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज आप इस दोनों सवाल को नोट करें। आइए बच्चे अब अभी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए सीखा, तो अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स है ना, इसका dy बटे dx निकालना है सर। तो चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। अब चलो सर दोनों में ddx लगेगा, ddx ऑफ 2x प्लस 3 इंटू dy बटे dx, एक काम करो 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो सर, ddx ऑफ क्या बच जाएगा x। अब यहाँ क्या बोलो बच्चा ddx ऑफ साइन x, अब ये क्या होगा ddx ऑफ x कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुना कितना बोलो बच्चा 1 प्लस 3 इंटू dy बटे dx सर, ddx ऑफ साइन x क्या होगा cos x, ddx ऑफ साइन x क्या cos x। चलो मेरे भाई 2 इधर 1 से गुना है तो उधर चला जाएगा तो माइनस 2, 3 इंटू dy dx बराबर cos x माइनस 2, देयरफॉर dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई, 2x प्लस 3y बराबर sin y, 2x प्लस 3y बराबर क्या है बोलो बच्चा sin y। देखो एकदम बड़े ध्यान से देखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा सर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलो तो सर 2 तो कांस्टेंट है ना रे बउआ, 2 बाहर होगा तो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस, फिर सर 3 कांस्टेंट है 3 बाहर होगा, किसका डिफरेंशिएशन y का डी डी एक्स ऑफ y। अब जरा बोलो ये क्या होगा डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। चलो सर डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1, ये आपका 2 गुना 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, कॉस वाई, फिर वाई का अंदर वाले का भी ना होगा, अंदर वाले का हो गया डी वाई बटे डी एक्स। चलो मेरे भाई 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर, एक काम करो ना जी इसको इधर ले आओ, कॉस वाई माइनस प्लस में है तो माइनस में चला आएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना 0, 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, पर इस दोनों से डी वाई डी एक्स क्या होगा कॉमन आ जाएगा,
थ्री माइनस कॉस वाई, फिर से बोलो, टू इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो ये तो आ गया सर डी वाई बटे डी एक्स है ना, ये सर इधर गुना में है सर, उधर जाएगा तो भाग में आएगा, माइनस टू बटे थ्री माइनस कॉस वाई, इसी को लिख सकते हैं टू बटे कितना बोलो, माइनस है सर, माइनस नीचे गुना हो जाएगा तो कॉस वाई माइनस थ्री, दिस इज कॉल्ड आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू आप जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या है, कॉस वाई है। आइए तो क्या कैसे करे हुए बउआ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो डी डी एक्स ऑफ क्या होगा सर, ए कांस्टेंट है बाहर कर दो ना सर, प्लस बी डी डी एक्स ऑफ क्या है वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ कॉस वाई ना है बउआ, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब जरा बोलो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन होता है, प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का सर, तो पावर टू है तो टू पावर यहाँ आ जाएगा वाई पर पावर टू माइनस वन, तो वाई ना रह जाएगा, अरे एक्स पर पावर एन बराबर का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक्स पर पावर एन माइनस वन, चलो मेरे भाई तो ये तो आपका टू वाई हो गया बराबर, कॉस को कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, फिर वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, चलो ए प्लस टू बी वाई बराबर माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक काम करो मेरे भाई यहाँ टू वाई जब किए तो वाई का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, ये आपका डी वाई बटे डी एक्स यहाँ भी हो गया, चलो मेरे भाई तो ये आपका माइनस साइन वाई हो गया, तो डी वाई डी एक्स को इधर ले आओ, ए को उधर भेज दो, डी वाई डी एक्स सर यहाँ हो गया टू बी वाई अब प्लस क्या साइन वाई, ये ए उधर चला जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स बराबर आ गया सर माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलो इसमें फिर उसी तरह से सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट सर, देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन, वाई कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर है सर, यहाँ वाई स्क्वायर है ना, अब टू वाई, वाई स्क्वायर का कितना टू वाई, फिर वाई का डी वाई बटे डी एक्स, अब चलो मेरे भाई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, फिर वाई का तो सर डी वाई बटे डी एक्स, चलो मेरे भाई अब डी वाई डी एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ है जरा देखो, तो ये है ये है ये है और ये है सर, डी वाई बटे डी एक्स हो गया, इधर एक्स बचा यहाँ वाई बचा, यहाँ टू वाई बच गया सर, यहाँ टू वाई बच न गया, अब चलो यहाँ से आएगा इधर तो माइनस वन बन करके आएगा यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, चलो भाई तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा बोलो मेरे भाई, टू वाई प्लस वाई कितना थ्री वाई, थ्री वाई माइनस वन बराबर सेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन, ये आपका आंसर आ गया। तो प्लीज इस दोनों सवाल को आप नोट कर लीजिए, एक सेकेंड बच्चे, ये वाई तो बच गया था आपका वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वन ना हुआ, ये वाई तो आप कहीं लिखे ही नहीं, एक काम कीजिए वाई इधर प्लस में था उधर चला गया था माइनस में, ये आपका माइनस वाई यहाँ भी माइनस वाई, इसको अब नोट करिए आप। चलो आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, यहाँ भी सर करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जरा बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा सर, फिर यहाँ तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट ना है जी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है सर, तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानो, किसका डिफरेंशिएशन वाई का,
प्लस वाई को कांस्टेंट मानो, किसका डिफरेंशिएशन एक्स का होगा, फिर वाई स्क्वायर है सर, स्क्वायर का तो टू बाहर आ जाएगा वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, इधर तो कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, जीरो हो गया। अब जरा बोलो सर, यहाँ डी वाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा प्लस टू वाई, जो टू एक्स, एक काम करो टू एक्स को उधर भेजो, माइनस टू एक्स, अच्छा डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना वन, वाई गुना वन वाई होता, प्लस वाई इधर से जाएगा तो उधर कितना माइनस वाई। चलो मेरे भाई, अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई नीचे आ जाएगा, देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ गया, माइनस कॉमन ले लो तो टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई। ये तो आपका हो गया सर क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स भी आपका इंतजार कर रहा हूं, फिर यहां भी लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत तुरंत तुमने लिखा है कितना बोलो, टू एक्स लिखा है, यहां भी लिखो टू एक्स, सर यहां तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहले एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, किसका डिफरेंशिएशन वाई का, प्लस वाई को कॉन्स्टेंट मानो, किसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, प्लस यहां भी आ जाओ मेरे भाई, यहां भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एक्स को कॉन्स्टेंट मानो, किसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर को कॉन्स्टेंट मानो, किसका डिफरेंशिएशन एक्स का, डी डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस वाई क्यूब ना है जी, क्यूब का तो थ्री बाहर आएगा, थ्री बाहर वाई पे पावर एक कम हो जाएगा तो वाई स्क्वायर, इक्यासी का सर एक सेकेंड, फिर वाई का भी तो डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना जीरो, इक्यासी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ जीरो होता है। अब चलो ये तो हो गया सर टू एक्स, यहां है एक्स स्क्वायर डी बाई डी, एक काम करो ना सर, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स हो जाएगा टू एक्स वाई, चलिए यहां सर वाई स्क्वायर का तो टू वाई हो जाएगा तो फिर यहां भी टू एक्स वाई, लेकिन फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर हो गया सर डी डी एक्स ऑफ एक्स तो वन होता है, प्लस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये बराबर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगी। अब इधर से यहाँ डी वाई बटे डी एक्स कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, लो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया प्लस टू एक्स वाई, यहाँ बच गया कितना प्लस थ्री वाई, बाकी सबको उधर भेज दो तो टू एक्स उधर जाएगा प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा और फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना आ गया जरा बोलो, तो ये माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कंप्लीट। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही, और क्वेश्चन नंबर सिक्स तक आज हमने डिस्कस किया, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन से लेकर के फिफ्टीन तक है, फिफ्टीन तक को हम डिस्कस कर देंगे, उसके बाद चलेंगे 3.5.4 पे, ठीक। तो इसी तरह कंटिन्यूसली क्लास चलता रहेगा, क्लास स्टॉप नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर के बिल्कुल चिंता ना करें कि हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। आपको कहीं कोई डाउट है आप हमें बेहिचक फोन कीजिए, ठीक, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, ठीक, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई एडवाइस देना हो, कोई सलाह देना चाहते हैं आप, जरूर हमें दीजिए, आपका आपके सलाह का स्वागत है। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग, फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक